प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके टर्म वन की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल ही आपका पहला पेपर है एंड दैट इज ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का है, देखिए हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो सैंपल पेपर भेजा था, हमने सारे सैंपल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जो पेपर है आपका, जो एग्जाम है, इसी तरीके से आएगा। आज हम करेंगे एक अनसोल्ड, दे आर द थ्री सैंपल पेपर्स, तीन सैंपल पेपर हैं और इसमें से जो सेट वन है, ये क्या है, अनसोल्ड है। तो ये मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, इसके सॉल्यूशंस को टिक मार्क करवा देता हूँ, जस्ट सी टू इट। आप एक बार देख लीजिए, ये सैंपल पेपर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, वहां से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर लाइक दिस ओनली। सेक्शन ए है, दैट इज द रीडिंग सेक्शन, वो देख लीजिए क्या है। ये अच्छे से वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए। ऑल ऑफ अर्थ ओशंस शेयर वन थिंग इन कॉमन, प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये जो सेक्शन ए है, ये जो पहला पैराग्राफ है, दैट इज ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले मैं तीन है, जैसे तीन पैराग्राफ पढ़ लीजिए पॉज करके, आफ्टर दैट रीड दीज वंस एंड आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। परसेंटेज ऑफ ओशन प्लास्टिक्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैंड इज 80%, इसमें दिया हुआ है। जब आप पढ़ेंगे विल गेट टू नो। प्लास्टिक इज दैट बायोडिग्रेडेबल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर्स। प्लास्टिक किससे बना होता है, पॉलीमर से है, इट इज रिटन इन द पैसेजेस। साइंटिस्ट बॉट फिश एंड शेल फिश फॉर एग्जामिनेशन एट मार्केट इन विच मार्केट, कैलिफोर्निया एंड इंडोनेशिया, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टीज मेक ग्रेट प्लास्टिक फॉर कंज्यूमर गुड्स, इसका क्या आएगा, ड्यूरेबिलिटी आएगा, ये ड्यूरेबल है, काफी समय तक चलता है। व्हाट इज द अल्टीमेट वे टू क्लीन अप एन ओशन, इसमें सही जवाब इसका ए है, द बीच क्लीन अप एंड बीच अप। हाउ आर द लार्ज फिश अफेक्टेड बाय प्लास्टिक्स, लार्ज फिश कैसे उनको नुकसान होता है, तो प्लास्टिक में गो इन टू देयर मसल्स एंड अदर टिश्यूज। विच टाइप विच फीचर्स डू ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स हैव, तो इसका क्या आएगा, सारे प्लास्टिक क्या होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन ऑन सीज लाइफ, सी लाइफ पे क्या है, प्लास्टिक ईटिंग मेक्स देम फील ए बी सी ऑल आर राइट वन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना दूसरा पैरा है जो टोटली किस पे बेस्ड होता है, डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, एनालाइज करना है आपको, तो एक बार पॉज करके जस्ट रीड आउट दिस पैराग्राफ। ये इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, फिर आपको इसमें से चूज करके क्या बताना है आपको, यू हैव टू टेल द क्वेश्चन। द ग्रोथ रेट वॉजेंट ऑलवेज लाइक दिस, दिस स्टेटमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या है, द रेट वॉज फास्ट हैज रिमेन्ड द सेम, ये नहीं आएगा। द रेट वॉज फास्टर बिफोर हैज नाउ स्लोड डाउन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द ईयर 2031 इंडिया इज लाइकली टू बी मोस्ट पॉपुलेश, सबसे ज्यादा पॉपुलेस होगा, पॉल्यूशन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स स्लोइंग डाउन आर, कौन कौन से जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लोइंग डाउन आर, इंक्रीजिंग बर्थ रेट, एडवांटेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, बेटर फैमिली प्लानिंग, ऑल ऑफ दिस ही आएगा इसमें। व्हाई डज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अफेक्ट इंडिया इन अ डिफरेंट वे, सिटी आर क्राउडेड, दर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये सारा ही सही है, डी पार्ट आएगा इसका। द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीजेज ड्रामेटिकली इन अ सिटी ड्यू टू द इन एफिशियंटली ऑफ द सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन, आप इससे एडमिट करते हैं, यस, नो नो, टोटली टोटली करेक्ट, सही बात है ये। नाउ नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन, क्या आएगा इसका, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, ऑल दोज दीज आर ऑल्सो करेक्ट वन, लेकिन हमें एक चूज करना है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट कम टू सेक्शन बी, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अ नोट मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन, जो नोटिस है इसमें क्या होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, वैरायटी मीनिंग या ऑब्जेक्ट, फैक्चुअल इज द राइट आंसर, ये कई बार करवाया गया है, सो फैक्चुअल इज द इंपॉर्टेंट इन नोटिस। नोटिस इज जनरली इशूड फॉर, नोटिस किसके लिए इशू किया जाता है, आई शेयर द ऑल द वीडियोज लिंक विच इज रिलेटेड टू क्लास 12 ग्रामर सेक्शन, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। तो नोटिस जनरली रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप,
नोटिस किसके लिए लिखा जाता है, मतलब सभी के लिए नहीं लिखा जाता है, एक जर्नल ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, उनको हम नोटिस लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय अ पर्सन इन नीड ऑफ अ जॉब, हमें जॉब की नीड है, व्हेन वी आर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, तो हम क्या लिखते हैं, सिचुएशन वॉन्टेड, भाई हमें चाहिए, और सिचुएशन वैकेंट कंपनी वाले लिखेंगे जिनको नीडी वन को कि भाई हमें इस प्रकार की जरूरत है, तो यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट है, यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू द मैचिंग, ठीक है। और सिचुएशन वांटेड कब आता है, जब हमें जरूरत होती है कि भाई हमें इस प्रकार की जॉब चाहिए, आप देखिए, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज मीडिया इज नॉट इशूड फॉर एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है जी, मैगजीन्स भी, बिल बोर्ड पे भी लगा सकते हैं, नोटबुक में थोड़ी ना, नोटबुक में आप इशू थोड़ा नोटिस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड लिमिट राइटिंग फॉर एन एडवर्टीजमेंट, 50 आएगा, कम से कम 50 वर्ड लिमिट्स होना चाहिए। योर सिंसियरली इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है, ये सारे गलत जवाब है, देख लीजिएगा। लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू फॉर व्हाट, किसके लिए लिखेंगे, न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, ये तीनों गलत है, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं लेटर टू एड। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन एन आर्टिकल, क्या पहले होता है, सबसे पहले तो आई कैचिंग टाइटल धांसु सा होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, उसके बाद क्लियर एंड एक्यूरेट कंटेंट, पैराग्राफ इंक्लूडिंग द थीम, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले सेकंड आएगा, उसके बाद पैराग्राफ इंक्लूडिंग द थीम, सबसे पहले पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे, थीम के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्लियर एंड कंटेंट, तो इसका थर्ड वन इज द करेक्ट, सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ में क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द आइडियाज, एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन एंड द सजेशन, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लिटरेचर पे आ जाइए, व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड से क्या बैड न्यूज आता था, न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ऑल ऑफ दिस, सारा ही कुछ आता था उसमें से। नेक्स्ट, Sadao stopped, Hana at his side and turned, the man said, they saw the face of a white man, Hana's whispered, yes, it was a white man. What did Dr. Sadao see when he turned the face of a man? Man with yellow hair, man with yellow beard, man showing signs of beard tortured, all of these being tortured. Yes, D is ka sahi hai. In what state was the white man lying? Kis state mein? He was unconscious. Next, which part of the body of young man had wounded? Right side of lower back. Which of these the white man belongs to? US Navy ka banda tha wo. How did the other learn swimming? How did the other? With the help of swimming instructor. What lesson did Douglas learn from his experience of drawing? Face to the fear. Face the fear. Are Sir Cromwell's tonations Shakespeare's head? Cloudless at dawn, civilized dome, riding. इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सार क्रीम वॉल्स सजेस्टेड, इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले नो बैडली मेंटेन, ये बैडली मेंटेन वॉल्स आएगा इसमें। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन द क्लासरूम सिंपलाइजेज, क्लासरूम में जो वर्ल्ड का मैप है वो क्या है, होप्स एंड एस्पिरेशन ट्रैवल वर्ल्ड दैट इज अनकनेक्टेड टू द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए वो मैप किस लिए है, दैट इज अनकनेक्टेड। द एक्सप्रेशन शेक्सपियर्स हैड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है, पन आएगा इसमें, एक बात में ही दो अर्थ चिपके हुए हैं। इन द एक्सट्रैक्ट फ्यूचर्स, इसका आपका आएगा फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग सजेस्ट दैट द क्लासरूम इज अ फॉगी एट द पेंट ब्यूटीफुल वैली, नो लाइफ अहेड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज अंडर अनक्लियर एंड हेजी एज अ फॉग ऑफन, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द टिकट कलेक्टर सस्पेक्टेड चार्ली फॉर व्हाट, फॉर टेंडरिंग फेक करेंसी, हु हैड सेंड द फर्स्ट कवर एंड वैन, सैम 1894। इसके बाद ये देखिए क्या, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, नेम द, ये क्या, लिसनिंग टू द मी आई सी टू डिस्टिंक्ट वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब, नेम द लेसन एंड इट्स ऑथर, द लास्ट लेसन अल्फोस डीप वॉटर इंडिगो या लॉस्ट स्प्रिंग, तो इसका सही जवाब क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट, Family caught in a web poverty, burdened with the stigma of caste in which they are born. Identify the poetic device used in the line. Irony आएगा इसमें. What faces conspire to keep the workers in Bengal industry? क्या क्या दिक्कत आता है? Bad stigma, Bengal making industry like karma, the callousness of the society of the political class. All of this deep part. And daring is not a part of his growing up. Why does the author remarks this? The fear of the police and lack of the leadership keep them back before a child is aware, he accepts the poverty stigma. This is the correct option.
तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा केवल 10 मिनट में हमने ये सारा सैंपल पेपर कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सैंपल पेपर जरूर करेंगे, क्योंकि क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के जो सैंपल पेपर है डेट इज रिलेटेड विद सीबीएसई, तो एक बार ये देख लीजिए सैंपल पेपर, एंड ये तीनों सैंपल पेपर जरूर कीजिएगा, और ये पूरा केंद्रीय विद्यालय का जो अब मैंने अपलोड किया हुआ सब कुछ देख के जाइएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि आप लोग बहुत बेहतर करें, और आप लोग बेहतर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग इतनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस।